हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19, ये बायोलॉजी का चैप्टर है 19वां, जिसमें हम रिप्रोडक्शंस इन अ प्लांट यानी पादपों में जनन के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि पादप जो है जनन कैसे करते हैं। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका जो है CBSE में पढ़ते हैं, जिनका NCERT बुक है। अगर NCERT बुक में अगर ये सिलेबस है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ में 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो CBSE में पढ़ते हैं, NCERT उनका जिसका बुक है, उनके लिए भी ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ में यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है ये आपको डबल डोज में लेके आता है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो है डबल डोज मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे कि प्लांट जो होती है किस प्रकार जो है अपना रिप्रोडक्शन करती है और कैसे अपना जैसे जो है जनन करती है, तो इसके विषय में हमें बहुत चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, इसका कारण यह है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पर पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is disadvantage of vegetative reproduction. There is a most important topic here, the advantage and disadvantage of vegetative reproduction. There is an advantage is the first. Advantage is a rapidly mean to reproduction and spread. And the offspring is identical and parents, the desired two varieties can be thus the preserved and genetically for a use. And other is a food storage organ allowed to the presentation and survive in the advanced condition. There is the most important advantage here in a plant. Here the fourth point is improved to the variety of ornamental plant and fruit tree can be multiplied easily. And there is the next is a vegetative progression is the shorter, easier and the less expensive method of multiplying plant. There is the most important for the advantage. But here is the some disadvantage here. The overcrowdings and the competition for the space unless are separated to artificially. And there the new varieties cannot be produced by this method except by mutation. And there the next is a disease type typically of the species are rapidly transmitted and can be determined to be a crop. There is the disadvantage also is the important and there is the very dangerous for the plants in grow. तो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आया है कार्यक्रम जनन के लाभ और हानियाँ। देखिए इसका
एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानना भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसके सिवा आप इसको पूरी तरह से जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर लाभ यही बताता है कि जनन और प्रसार के तीव्र साधन है, यानी जनन और प्रसार करने के लिए बहुत ही अच्छा ये साधन माना गया है। और दूसरी बात यही होती है कि पौधों में जनक के समान ही होते हैं। ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसा अगर आपके बड़े पौधा में अगर फूल आ रहा है या फल आ रहा है, वैसा ही अगर आपने जो ये प्रबंधन लगाया है स्टडी प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग लगाया है तो आपको उसी जैसा ही मिलेगा, यानी संतान पौधे जनक के समान नहीं होंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रखता है। और इस प्रकार जो है वांछनीय किस्म को उपयोग के लिए अनुवांछित रूप से जो है परीक्षित रखा जा सकता है, यानी इसको जो है आगे के समय के लिए भी इसको जो है बनाए रखना जो है बहुत ही आसान बना देता है। उसके पश्चात कहते हैं, अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो इसमें कहते हैं खाद्य समकारी अंगों के कारण ये पौधे कई वर्षों से जीवित बने रह सकते हैं। अब ये कार्य के प्रबंधन अगर मान लीजिए कटिंग है या कलम लगाना है तो इसके रिगार्डिंग जो ये पौधों को हम कई सालों तक जो है अपने संरक्षण में रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो पौधा नष्ट होता है दोबारा हम लगा के कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि बहुत सी बातें जो होती है एक समय और परिस्थिति के विपरीत होती है, जो कि इंसान नहीं समझ पाता है। कहते हैं प्राकृतिक परिस्थिति में जीवित बने रहें इसके लिए हमें बहुत से जो है संभावनाओं को जो है कंडीशन बनाना की आवश्यकता पड़ जाती है। कहते हैं सजावटी पौधे और फलदार वृक्षों की उन्नत किस्म की संख्या आसानी से बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि सजावटी पौधे हो या फलदार वृक्षों की उन्नत किस्मों की संख्या आसानी से बढ़ा सकते हो, यानी जितना चाहो आप इसको बढ़ा सकते हो, जितना चाहो उसको वेरिएशन ला सकते हो। तो इस विषय में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर योगदान देता है। कहते हैं कार्यक्रम अनेक पादपों के प्रबंधन और तीव्रगामी आसान और कम खर्चीला विधि है, यानी देखा जाए तो कार्य के जनन जो है कम खर्चीला विधि तो है ही है, क्योंकि इसमें हमें कोई खास मेथड की आवश्यकता जरूरत नहीं होती है। हम साधारण घरों में उपस्थित सामानों से भी हम ये जो है कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं और इससे जो है नए पौधों का ग्रोथ करके हम जो है इसका उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अगर ये सारे मेथड किसानों के अगर समझ में आ गया तो ये हो सकता है कि ये देशव्यापी हो और देश के लिए जो है अग्रसर बना दे और अच्छे से अच्छे जो है उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान भी दे। कहते हैं अगर ये सारी लाभ थे तो देखिए कुछ हानि के बारे में भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर हम सिर्फ पॉजिटिव बात सोचते रहें और नेगेटिव की तरफ ध्यान ना दें तो हो सकता है कि वो हमारे लिए आगे चल के हमारे लिए खतरनाक बन जाए। तो इसलिए हानि भी हमें देख लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ डिसएडवांटेज यही बताता है कि पौधों को कृत्रिम रूप से पृथक न किया जाए तो अंतकुलीयता और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा खतरा बना रहता है, यानी पौधों का अगर कृत्रिम रूप से अगर आप अलग नहीं करोगे तो वो शायद अतिसंकुलता का कारण बन सकता है। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है और इस विधि से जो है नई किस्म उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अब इस विधि से सिर्फ जो है आपने पढ़ा भी है कि ये मात्र जैसा ही होता है, यानी जो है मदर सेल जैसा ही सेम टू सेम होता है। तो इससे आप एक बात तो पता लग ही गया कि इससे दूसरे किस्म के हम जो है उत्पन्न करने के लिए हम इन मेथडों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केवल उत्तर परिधि यानी म्यूटेशन ही एकमात्र रास्ता रहता है इसमें। कहते हैं अगर हम जाति विशेष के प्रयोग रोग तीव्रता का संक्षिप्त हो जाए तो फसल के बड़े हिस्सों को भी नष्ट कर सकता है। और मान लीजिए हमने इसमें कुछ गलतियां कर दिया, अगर उसमें जो है रोग हो गए तो कहते हैं बहुत मात्रा में जो है क्षति पहुंचने की संभावना हो सकती है। तो कहते हैं जहां इतना अच्छा लाभ है तो कुछ हानियां भी है, तो इसको हम जो है नज़रअंदाज करना हमारे लिए शायद नकारात्मक होगा। इसलिए हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हम नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को भी देखना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द माइक्रो प्रोग्रेशन। माइक्रो प्रोग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर हेयर। द टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज यूटिलाइज दियर प्रोग्रेशन ऑफ प्लांट। द प्रोसेस एक्सप्लेनेड बिलो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू ऑर्गन और इवन अ सिंगल सेल इज टेकन फ्रॉम द प्लांट एंड इज ट्रांसफर टू स्टरलाइज ऑफ कंटेनर एंड न्यूट्रेंट ऑफ मीडियम्स टू एसेप्टिक कंडीशन। देर इज अ टिश्यू ग्रो वेरी वेरी फास्ट इन टू द अनऑर्गेनाइजेशन मार्क्स इज कॉल टू द कलर्स। देर इज द अनऑर्गेनाइजेशन मार्क्स इज कॉल टू द कलर्स। द कलर्स कैन बी अ मेंटेनड एंड मल्टीप्लाई फॉर द इनडिफाइनड पीरियड। देर आर मल्टीप्लाइड फॉर ऑन इनडिफाइंड पीरियड वेन द स्मॉल प्रोटेशन ऑफ देर टिश्यू आर
transferred to the another specialized medium with the hormone. It includes a different tissues. And plantis is a little plant or formid. That is most important for the macroprogression. The plantis can be transplanted with the pot and soil by the gradually process and grow into the mature plant. There is a grow to the mature plant for hair. The step of macroprogression of hair, the plant wants cell shifting and the colors. So hair and the hormones and the cell. There is a plant too is a grow. There is the most important method for a step of macroprogression in a plant. Here the macroprogression is a disadvantage here. The advantage of the macroprogression. By this method, on identified the numbers of identical plant can be obtained vegetably starting from the small amount of parent's tissue. And the orchestra containing a chromatophorus and a apogelous macroprogression is a being successfully tried to some part of our country. It is the most important advantage of macroprogression for here. दोस्तों यहाँ पर जो है सूक्ष्म प्रबंधन यानी मैक्रो प्रोग्रेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर रहता है क्योंकि ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड रहता है। कहते हैं इस तकनीक में पौधे की कोशिकाओं और उत्को और किसी अंग का संवर्धन करके पौधों के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए इस मेथड का इसलिए इतना इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि इसके द्वारा जो है आप इस तकनीक के द्वारा कोशिकाओं और उत्कों के किसी अंग का संवर्धन करके पौधे के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम चित्र में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं किसी पौधों में से उत्क का एक छोटा सा टुकड़ा अंग अथवा एक एकल कोशिका को निकाल कर उनके पोषक माध्यम से भरे एक निर्जमीकृत जो है पात्र में रख दिया जाता है और ऊतक बहुत तीव्रता के साथ जो है वृद्धि करके एक असंगठित संहिता बना देता है जिसे हम कलश कहते हैं। यानी कलश जो होती है को बनाए रखा जाता है और उसकी जो है अनिश्चित काल तक संख्या वृद्धि कराई जाती है। इसमें सब ऊतक के छोटे से एक भाग को हार्मोन वाले एक अन्य विकृति माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उससे जो विभेदीकरण प्रेरित हो जाती है और तब अनेक पादप प्लग यानी प्लांटर्स छोटे पौधे बन जाते हैं। इस पादपों को किसी मिट्टी के गमले में रोपा जा सकता है और इसे एक बड़ा पौधा तैयार किया जा सकता है। दोस्तों ये मेथड बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोशिका स्थानांतरित की जाती है और यानी कोशिका स्थानांतरित करना बहुत ही आसान होता है और इसको हार्मोनिक कोशिकाओं में संगलित करना और नए पौधे बनाना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये माइक्रोप्रोग्रेशन जो होती है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो है एक छोटे पौधे के हार्मोनों की आवश्यकता होती है और उस हार्मोन के माध्यम से जो है ये स्थापित करना बहुत ही आसान होता है और छोटे पौधे में जो है विकसित करना भी आसान होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैथड माना गया है और ये मैथड कई मानने में इंपॉर्टेंट भी अपना स्थान रखता है। अगर देखा जाए इसका जो है हम सूक्ष्म प्रबंधन के लाभ देखें तो लाभ इसके हैं। कहते हैं इस विधि से जनक जन उत्तक के छोटी सी मात्रा से शुरू करके सामान्य पौधे की अनिश्चित संख्या में कार्यकर रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसको छोटे से छोटी मात्रा से शुरू करके जो है सामान्य आकार और निश्चित संख्या के जो है पौधों को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये मेथड काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो जा सकता है। हमारे जैसे कुछ भागों में अकारिक और कनेशन जैसे क्रैसोथेमस और एरो पैराग्रास सूक्ष्म प्रबंधन के सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया गया है। अगर आप देखा जाए तो इसमें बहुत से जो है आज प्लांट ग्रोथ भी किया गया है इस मेथड के द्वारा जैसे अर्काडो कनोसान कोसानो क्रैसोथेमो और एप्रोगेसस जो सूक्ष्म प्रबंधन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड रहा है। तो ये सारे जो है हमारे देश में हुए हैं और हमारे देश ने इसका जो है लाभ भी उठाया है। तो ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। अब जो है हमारा 20 चैप्टर होगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिसके विषय में जो है हम आगे करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इसका लिंक को पेस्ट करना मत भूलिएगा क्योंकि तभी त्रिपाण सेंटर आपके लिए सदैव अग्रसर रहेगा। आपने क्या करना है लिंक को करना दबाना है कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे पेस्ट करना है। ये कार्य करना मत भूलिएगा।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है तिरपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th class 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।